नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बबूल, कीकर, घुटनों के दर्द और रिप्लेसमेंट का तोड़। आइए जानते हैं इसके बारे में। कीकर का पेड़ यानी बबूल का पेड़ आपको कहीं भी आम जगह पर गाँव में मिल जाता है, किसी भी बंजर जगह पर आपको ये मिल जाता है। ये कीकर का पेड़ इतना गुणकारी है कि हमने अभी तक इसके गुणों को पहचाना नहीं है। अगर ये कीकर का पेड़ किसी और देश में होता तो शायद ये बहुत ही अच्छा औषधि होता, लेकिन हमारी ये आदत है कि हमें जो चीज़ फ्री में मिलती है, बहुत ही आसानी से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं, इसीलिए हमें कीकर के गुणों का ज्ञान नहीं है। जॉइंट पेन एक आम प्रॉब्लम है जो आजकल देखने को मिलती है, और एक उम्र के बाद ये बुढ़ापा आने लगता है, उम्र ढलने लगती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम लगभग हर किसी में देखने को मिल जाती है। कैल्शियम की कमी से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके जोड़ों में गैप आ जाने से भी ये समस्या हो सकती है, और ये घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द आम बातें हो गई है। इसके लिए आप बबूल के पेड़ का एक उपयोग कर सकते हैं। बबूल का पेड़ आपको कहीं भी मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आप किसी गांव में चले जाएं, आपको जरूर ही मिल जाएगा। इसे कहीं कीकर तो कहीं बबूल कहा जाता है। इसकी जो फली होती है वो है मेन चीज। आप चाहें तो इनके फली को मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, किसी भी पंसारी के शॉप में आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब इन फली का एक पाउडर बना लें, और इन पाउडर को सुबह के समय एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ लेना है, खाना खाने के एक घंटे के बाद, और इसे आपको लगातार 2 से 3 महीने तक इसका उपयोग करना है, तो आप देखेंगे कि आपके जोड़ों के दर्द में कितना राहत मिलता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको घुटना रिप्लेस कराने की राय दी है तो आप उससे भी रिकवर हो जाएंगे। आप ये करके देखिए, आपको निश्चित रूप से ही लाभ मिलेगा। नी रिप्लेसमेंट यानी घुटनों का रिप्लेसमेंट बहुत ही परेशानी वाला और साथ ही बहुत ही खर्चीला वाला प्रोसेस है, जिससे आप बच सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा और आप अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा भी पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।